सभी सुनने वालों को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर रश्मि सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, एस एस खन्ना गर्ल्स ट्रिपल कॉलेज, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, एंड इट इज माय ईमेल आईडी। एंड द टॉपिक ऑफ टुडेज डिस्कशन इज गेस्टाल्ट थियरी, गेस्टाल्टवाद, गेस्टाल्ट का सिद्धांत। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एजुकेशनल साइकोलॉजी का। साइकोलॉजी जो लोग पढ़ते हैं साइकोलॉजी का, बहुत इंपॉर्टेंट थियरी है ये, और बहुत इंटरेस्टिंग भी है, और इससे बहुत सवाल भी पूछे जाते हैं। तो आइए जानते हैं व्हाट इज गेस्टाल्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज गेस्टाल्ट थियरी। गेस्टाल्ट साइकोलॉजी फॉर्म्ड इन पार्ट एज अ रिस्पॉन्स टू द स्ट्रक्चरलिज्म ऑफ विल्हेम वुंड। यानी कि जो गेस्टाल्टवाद है, जो मनोविज्ञान में गेस्टाल्ट का शुरुआत हुई, गेस्टाल्ट की शुरुआत हुई, वो किसके रिस्पॉन्स में हुई? जो विल्हेम वुंड का स्ट्रक्चरलिज्म था उसके रिस्पॉन्स में। और अगर हम हिस्ट्री ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी को याद कर पा रहे हैं तो हमको वहां पे विल्हेम वुंड का नाम मिलता है, या हमको ये स्ट्रक्चरलिज्म के जनक के रूप में जाने जाते हैं, जनक के रूप में याद आते हैं। तो उसका जो रिस्पॉन्स था, मतलब कुछ लोग उसके साथ में होंगे, कुछ उसके अगेंस्ट होंगे, तो कुछ लोगों ने एक कुछ अलग तरीके से सोचना शुरू किया। स्ट्रक्चरलिज्म कह रहा था कि वो हर चीज को छोटे 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 टुकड़ों में तोड़कर उसकी स्टडी करनी है, वो एक माइन्यूट सबसे छोटा पार्ट भी स्टडी के काबिल है, स्टडी के लायक है। जबकि गेस्टाल्ट कह रहे थे, क्या कह रहे थे, ये आगे अभी आपको डिस्क्लोज होगा कि ये स्ट्रक्चरलिज्म के साथ है या इसके ऑपोजिशन में है। फिर जैसे कि बिहेवियरिस्ट मूवमेंट की शुरुआत हम मानते हैं वॉटसन के आर्टिकल साइकोलॉजी एज द बिहेवियरिस्ट व्यूज इट, यानी कि मनोविज्ञान जैसे कि उसको व्यवहार वादी देखता है, ये वॉटसन साहब ने जब आर्टिकल 1913 में लिखा उससे माना जाता है कि व्यवहारवाद की आंदोलन की शुरुआत साइकोलॉजी में हुई है। उसी तरीके से गेस्टाल्ट मूवमेंट इज थॉट टू हैव बीन लॉन्च्ड बाय मैक्स वर्लाइमर्स आर्टिकल ऑन अपेरेंट मोशन व्हिच अपीयर्ड इन 1912। मतलब इवन वन ईयर अर्लियर वर्लाइमर साहब अपेरेंट मोशन पे एक आर्टिकल लिखते हैं 1912 में, और इसको गेस्टाल्ट मूवमेंट का जनक माना जाता है। इस कि यहां से शुरुआत हुई कैसे, क्या ये लिखते हैं अपेरेंट मोशन में, ये कह रहे हैं कि टू इंडिविजुअल शेप्स, दो अलग अलग आकार की चीजें हैं, दो अलग चीजें हैं, आकृतियां हैं, मे बी परसीव्ड एज अ मूविंग ऑब्जेक्ट। उसको हम ऐसा परसीव कर सकते हैं कि वो कोई चलता हुआ ऑब्जेक्ट है। कब? इफ दे आर प्रेजेंटेड वन आफ्टर द अदर, अगर वो एक के बाद एक आता है हमारे सामने विद इन अ शॉर्ट लाइफ स्पैन, बहुत जल्दी जल्दी से वो एक के बाद एक हमारे सामने आ रहा है, तो हमको ऐसा लग रहा है कि वो मूव कर रहा है जबकि वो मूव नहीं कर रहा है। तो इसी को उन्होंने अपेरेंट मोशन कहा, और इसी से हमको गेस्टाल्ट की शुरुआत कैसे मिलती है, मतलब अभी बड़ा हमको वियर्ड लगेगा कि इस मूवमेंट से, इस मोशन से हमको कैसे गेस्टाल्ट मूवमेंट की शुरुआत होगी और साइकोलॉजी में, क्यों? क्योंकि सारी बात गेस्टाल्टवादी परसेप्शन पर कर रहे हैं, और यहाँ भी क्या है, परसीव्ड एज अ मूविंग ऑब्जेक्ट, कि कैसे हम उसको परसीव कर रहे हैं। तो आगे देखते हैं क्या है। तो कौन इसके फाउंडर्स रहे? मैक्स वर्लाइमर इसके मेन फाउंडर हैं, जो कि 1880 से 1943 इनका जीवन काल है। फिर वोल्फगैंग कोहलर और कर्ट कोफ का, ये दो को फाउंडर माने जाते हैं गेस्टाल्ट के, गेस्टाल्ट थियरी के। और वोल्फगैंग कोहलर ने क्या किया था, ही हैज कनेक्टेड गेस्टाल्ट साइकोलॉजी टू नेचुरल साइंसेज, एंड कर्ट कोफ का क्या किया, ही हैज अप्लाइड द कांसेप्ट ऑफ गेस्टाल्ट या गेस्टाल्ट टू चाइल्ड साइकोलॉजी। वैसे गेस्टाल्ट हिंदी में लिखा था, पर मेरे मतलब मुझसे जब बार बार जेस्टाल्ट निकल जा रहा है, कोई बात नहीं, इट्स ओके। फिर फाइव फेनोमेना, जो ये एपेरेंट मोशन वाला कंसेप्ट है उसको आप अगर सर्च करेंगे, पढ़ेंगे आप गेस्टाल्ट पर, गेस्टाल्टिज्म पर, तो आपको फाइव फेनोमेना एक मिलेगा। क्या है ये? वही जो एपेरेंट मोशन वर्लाइमर साहब ने ऑब्जर्व किया उसको उन्होंने ऑप्टिकल इल्यूजन कहा है ना, क्योंकि ऑप्टिकल इल्यूजन है, भ्रम है, भ्रम की स्थिति है, वो ऐसा है नहीं जैसा हम उसको परसीव कर रहे हैं। इफ द आई स्टिमुलाई इन अ सर्टेन वे, दे गिव द इल्यूजन ऑफ मोशन, यानी कि अगर हमको आंख को उस तरीके से स्टिमुलाई मिलता है तो हम एक मोशन का इल्यूजन परसीव कर लेते हैं, हमें ऐसा लगता है कि वो गतिशील है जबकि वो गतिशील नहीं है। दिस डिस्कवरी हैज प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस ऑन द हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी, यानी मनोविज्ञान के इतिहास में ये खोज एक बहुत महत्वपूर्ण अपना प्रभाव रखती है। फेनोमेनोलॉजिकल एक्सपीरियंस इज डिफरेंट फ्रॉम पार्ट्स दैट मेक इट अप, ये कह रहे हैं कि जो फेनोमेनोलॉजिकल एक्सपीरियंस है, जो फेनोमेना का एक्सपीरियंस हमको मिल रहा है, वो उससे डिफरेंट है जिन पार्ट से वो मिलकर बना हुआ है। ऑर्गेनिज्म एड्स समथिंग टू एक्सपीरियंस, दिस समथिंग इज ऑर्गेनाइजेशन, वो कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि जो डिफरेंट पार्ट्स हैं जिनसे वो मिलके बना है बिल्कुल वैसे ही एक्सपीरियंस करते हैं, बल्कि जो जीव है वो उस एक्सपीरियंस में कुछ ऐड करता है, और यही जो कुछ वो ऐड करता है उसको ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। ये नीचे चला गया थोड़ा सा, सॉरी नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा
organism adds something to experience. This something is organization, and Gestalt is the German word for this organization. यानी कि जो organization शब्द है उसके लिए हमको Gestalt शब्द मिलता है, ये जर्मन भाषा का शब्द है, इतना तो सभी को पता होगा। इसीलिए इसकी एग्जैक्टली वो इंग्लिश का शब्द नहीं है, इसका एकदम समतुल्य जो इंग्लिश में मिलता है वो ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि संगठन, यानी कि ऑर्गेनिज्म जो होता है वो कुछ संगठन उस एक्सपीरियंस में ऐड करके उसको अपना पर्सनल बना लेता है। फिर फेनोमेनोलॉजी की परसेप्चुअल फील्ड, यानी कि जो परसेप्शन हम जिस फील्ड का कर रहे हैं वो परसेप्चुअल फील्ड इज ब्रोकन अप इनटू ऑर्गेनाइज्ड होल्स और जेस्टाल्टेन। अब ये जेस्टाल्टेन क्या है, ये जेस्टाल्ट सॉरी या गेस्टाल्ट का प्लूरल है। तो परसेप्चुअल फील्ड इज ब्रोकन अप इनटू ऑर्गेनाइज्ड होल्स, यानी कि जो फील्ड है उसको भी हम तोड़ सकते हैं, लेकिन वो हर एक पार्ट जिसमें वो टूटेगा वो एक ऑर्गेनाइज्ड होल होगा, मतलब उसका भी कोई अर्थ होगा। द होल इज डिफरेंट देन द सम ऑफ इट्स पार्ट्स, ये आपकी गेस्टाल्ट थ्योरी का क्रक्स है। क्या ये होल इज डिफरेंट देन द सम ऑफ इट्स पार्ट्स और इवन इट इज मोर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट्स, यानी कि जो होल है, जो होलिस्टिक व्यू है, जो मोलर व्यू है, वो उसके टुकड़ों से तोड़कर जो व्यू बनता है उनसे अलग तो होता है, ये उनसे विशिष्ट भी होता है, क्योंकि उसका वो अर्थपूर्ण होता है। और दे मेंटेन दैट स्ट्रक्चरलिस्ट एंड बिहेवियरिस्ट वर ऑल मेकिंग द सेम बेसिक एरर इन यूजिंग एन एलिमेंटिस्टिक अप्रोच, जो मैं आपसे शुरुआत में फर्स्ट लाइन में आपसे कही कि ये स्ट्रक्चरलिस्ट के रिस्पॉन्स में इसका उदय हुआ। तो स्ट्रक्चरलिस्ट क्या कर रहे थे, हर चीज को छोटे 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 एकदम एलिमेंट में तोड़ दे रहे थे, वही काम बिहेवियरिस्ट भी कर रहे हैं, वही काम स्ट्रक्चरलिस्ट भी कर रहे हैं। तो गेस्टाल्टिस्ट कह रहे हैं कि यही सबसे बड़ी त्रुटि है जो ये कर रहे हैं, कौन स्ट्रक्चरलिस्ट और बिहेवियरिस्ट, क्या त्रुटि कर रहे हैं कि वो एलिमेंट में तोड़ देते हैं उसको, एलिमेंटिस्टिक मॉलिक्यूलर अप्रोच अपनाते हैं, जबकि गेस्टाल्ट कैसी अप्रोच अपनाते हैं, मोलर होलिस्टिक। So, because of this approach of studying perceptual phenomena directly, gestalt psychology has sometimes been called phenomenology. क्यों? क्योंकि perceptual phenomena की बात कर रहे हैं, उसी का अध्ययन कर रहे हैं, इसीलिए gestalt psychology को phenomenology भी कहीं कहीं कभी कभी कहा जाता है। फिर principles of learning, तो अगर हम gestalt के हिसाब से सीखने के नियम जानेंगे तो जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल वो बताते हैं वो प्रेगनेंस का है। बहुत सारे आपको मिलेंगे, बहुत सारे हो सकता है, मैं जितने बताए वो कम बताए मैंने आपको, और भी ढूंढने से मिल जाएंगे, लेकिन प्रेगनेंस आपको समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। क्यों? क्योंकि बात किस पर की जा रही है, परसेप्शन पे। हम यानी स्टूडेंट यानी टीचर, लर्नर, एजुकेटर कैसे चीजों को परसीव करता है, और बीइंग अ टीचर हमको लर्नर को क्या सिखाना है कि उसका परसेप्शन सही हो। तो प्रेगनेंस भी जर्मन वर्ड है और उसका मतलब क्या है, एसेंस, यानी कि एसेंस होना चाहिए, विदाउट एसेंस नथिंग एनीथिंग इज गुड फॉर नथिंग। तो कोफ्का क्या कह रहे हैं, कोफ्का डिफाइंड इट, साइकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन विल ऑलवेज बी एज गुड एज द कंट्रोलिंग सर्कमस्टेंसेस अलाउ, मतलब जितने भी मनोवैज्ञानिक संगठन होते हैं वो उतने बढ़िया होने चाहिए या होंगे जितना कि सर्कमस्टेंसेस उसको अलाउ करती है। तो सर्कमस्टेंसेस क्या अलाउ करती है, इट स्टेट्स दैट वी रिस्पॉन्ड टू द वर्ल्ड सो एज टू मेक इट मैक्सिमली मीनिंगफुल अंडर एग्जिस्टिंग कंडीशंस, मतलब ये कह रहे हैं कि जो ऑर्गेनिज्म है, जो जीव है, जो इंडिविजुअल है, जो लर्नर है, वो क्या कह रहा है कि जितनी उसको एग्जिस्टिंग कंडीशन, मतलब जिस दशा में आप उसको रखेंगे उसमें वो जितना मीनिंगफुल अर्थ निकाल सकता है, मैक्सिमली मीनिंगफुल जितना अर्थ वो निकाल सकता है उतना निकालने की कोशिश करता है जो भी उसको साइकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन मिलता है। तो ये एक सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है गेस्टाल्ट का, जो कि प्रिंसिपल ऑफ प्रेगनेंस है। उसी तरह से प्रिंसिपल ऑफ सिमिलैरिटी, वी नेचुरली ग्रुप सिमिलर आइटम्स टुगेदर बेस्ड ऑन एलिमेंट्स लाइक होना चाहिए था, लाइक दरअसल मेरा ये कीबोर्ड का ना के नहीं चल रहा है प्रॉपर, इट शुड बी लाइक, लाइक कलर, साइज और ओरिएंटेशन, मतलब परसेप्शन पे सारी बात है ना। तो सिमिलैरिटी यानी कि हम जब देखते हैं चीजों को तो हम क्या करते हैं, सिमिलर आइटम का ग्रुप एक साथ बना लेते हैं, और वो कलर के बेसिस पे सिमिलैरिटी हो सकती है, वो साइज के बेसिस पे हो सकती है, वो ओरिएंटेशन के बेसिस पे हो सकती है। इसमें बहुत सारे डायग्राम्स भी थे, मैं उसको ऐड कर रही थी तो बहुत लंबा हो जा रहा था और मुझे इसको शॉर्ट भी रखना था, इसलिए मैंने डेलीबरेटली वो डायग्राम्स इसमें नहीं डाले। तो जब भी आप उसको पढ़ेंगे तो मिलाकर आप समझ लेंगे ये चीजें। तो सिमिलैरिटी क्या है कि हम परसीव कैसे करते हैं चीजों को, उनको सिमिलैरिटी के बेसिस पे, सिमिलैरिटी हो सकती है कलर के आधार पर, साइज के आधार पर, ओरिएंटेशन के हिसाब से, इस तरह से। फिर प्रॉक्सिमिटी, ऑब्जेक्ट्स नियर टू ईच अदर, प्रॉक्सिमल टू ईच अदर व्यूड एज ए ग्रुप, यानी कि वो ऑब्जेक्ट जो एक दूसरे के पास होते हैं उसको हम इनडायरेक्टली हम उसको एक ग्रुप की तरह से परसीव कर लेते हैं, प्रॉक्सिमिटी के बेसिस पे, सिमिलैरिटी के बेसिस पे, एसेंस के बेसिस पे, यही सारी बातें। फिर
प्रॉक्सिमिटी फिर से आ गया है गलती से. प्रॉक्सिमिटी ऑब्जेक्ट्स नियर टू ईच अदर व्यूड एज अ ग्रुप, ये बात होगी. फिर कंटिन्यूटी में क्या है, वी परसीव एलिमेंट्स अरेंज्ड ऑन ए लाइन और कर्व एज रिलेटेड टू ईच अदर. जैसे आप इसको ऐसे समझिए कि एक कर्व बना हुआ है, एक सर्कल बना हुआ है, लेकिन वो बीच बीच में से ब्रोकन है, तब भी हम उसको एज अ सर्कल ही परसीव करते हैं. यही कंटिन्यूटी का प्रिंसिपल है. अगर एक लाइन है वो बीच बीच में डॉटेड भी है तो भी हम उसको एक लाइन ही परसीव करते हैं ना. तो वी परसीव एलिमेंट्स अरेंज्ड ऑन ए लाइन और कर्व एज रिलेटेड टू ईच अदर, हम उसको एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ ही मानते हैं, अलग अलग नहीं मानते. उसी तरह से क्लोजर, ये क्या प्रिंसिपल है, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग प्रिंसिपल है. ये क्या कह रहा है, इट स्टेट्स दैट वी हैव अ टेंडेंसी टू कंप्लीट द इनकंप्लीट एक्सपीरियंसेस. यानी कि हमारी ये टेंडेंसी होती है कि जितने भी इनकंप्लीट एक्सपीरियंसेस हैं हम चाहते हैं कि वो कंप्लीट हो जाए. तो प्रिंसिपल ऑफ क्लोजर है. उसी तरह से कॉमन रीजन, वी टेंड टू ग्रुप ऑब्जेक्ट्स टुगेदर इफ दे आर लोकेटेड इन द सेम बाउंडेड एरिया. तो ये कुछ कुछ प्रॉक्सिमिटी और आपका कंटिन्यूटी से मिलता जुलता है. तो ये है प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग. और व्हेन एन ऑर्गेनिज्म इज कन्फ्रंट, तो एक इनका एसेंस क्या निकल कर आया प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग का, कि व्हेन एन ऑर्गेनिज्म इज कन्फ्रंटेड विद अ प्रॉब्लम अ स्टेट ऑफ कॉग्निटिव डिसइक्विलिब्रियम इज सेट अप एंड कंटिन्यूज अंटिल द प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड. यानी कि जब भी किसी जीव को, किसी इंडिविजुअल को, किसी लर्नर को, स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम होगी तो एक कॉग्निटिव डिसइक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाएगा और वो तब तक चलेगा जब तक कि प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाती. ओके, तो कॉन्ट्रीब्यूशन क्या निकल गया है साइकोलॉजी का, साइकोलॉजी के लिए गेस्टाल्ट का, कि सबसे पहले तो जिन्होंने क्रिटिसिज्म इन्होंने बताया कि मॉलिकुलर और एटोमिस्टिक अप्रोच जो एसआर बिहेवियरिज्म का है उसका ये विरोध करते हैं, उसकी आलोचना करते हैं और मोलर अप्रोच की बात बताते हैं, होलिस्टिक अप्रोच की बताते हैं. ये कहते हैं कि नहीं, टुकड़ों टुकड़ों में नहीं, आप सिलेबस करिकुलम कर सिलेबाई इस तरह से बनाइए कि एज ए होल आप स्टूडेंट के सामने रखिए, कोई भी कंसेप्ट एज ए होल पढ़ाइए तो फिर वो उसके ब्रोकन पार्ट भी समझ पाएगा बेहतर तरीके से. और ये किसी बात करते हैं इनसाइटफुल लर्निंग, जो कोफका का एक्सपेरिमेंट, जो कोहलर का एक्सपेरिमेंट है जो चिंपैंजी पे किया उन्होंने, चिंपैंजीज पे, एप्स पे, वो हमको इनसाइटफुल लर्निंग सिखाता है कि वो सब ऑटोमेटिक है और इंट्यूटिव है. मतलब ये ट्रायल एंड एरर का विरोध कर रहे हैं कि हमेशा नहीं है कि ऑर्गेनिज्म बैठा है फिर त्रुटि कर रहा है, सही कर रहा है, त्रुटि कर रहा है, सही कर रहा है, इस तरह से नहीं सीखता, बल्कि कभी कभी ऑटोमेटिकली इंट्यूटिव भी उसको एक्सपीरियंसेस मिल जाते हैं कि वो लर्न कर लेता है चीजों को. फिर ये जो थियरी है वो क्या करती है, हमारा अटेंशन चेंज करिए कहाँ से, एक्सट्रिंसिक टू इंट्रिंसिक मोटिवेशन, कि इंट्रिंसिक मोटिवेशन में, क्योंकि इंट्यूशन क्या है, वो इंट्रिंसिक है. उसी तरह से ये हमको concept of the organization of stimuli, इस stimuli का भी organization हो सकता है और वो effect कर सकता है हमारे perception पे, ये हमको सिखाता है. क्या, कौन सिखा रहा है, Gestalt, ठीक है. तो ये references हैं दो mainly जहां से मैंने ये matter लिया है. तो आप इसको, जिसको और पढ़ना है वो और भी पढ़ सकता है, और ये बहुत important theory है और कई चीजें नई आपको इसमें पता चली होंगी, तो आप इसे पढ़िए, समझिए और बेहतर तैयारी करिए अपनी. ओके, So that's all from my side. Done.